नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं इस वीडियो में मैसेज राइटिंग से संबंधित कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेफिनेशन इसका क्या होता है या और क्या होना चाहिए या फिर इसके अंतर्गत क्या जानकारी हमें प्रोवाइड होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अ मैसेज इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक जो मैसेज होता है जो हम लोग लिखते हैं या फिर हम इसे लिखने के लिए कहा जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है दैट यू गिव टू अ पर्सन, जो आप देते हैं एक व्यक्ति को। वेन यू कैन नॉट स्पीक, जब आप उससे बात नहीं कर सकते टू हिम डायरेक्टली, और वो भी डायरेक्ट वे में जब आप किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं तो उस व्यक्ति के लिए आप मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये मैसेज होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग अ मैसेज, जब आप मैसेज लिख रहे हों तो उस समय किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए कुछ फैक्ट्स जो होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यूज़ ब्रीफ सैल्यूटेशन, मतलब आप ये कोशिश करेंगे कि आप जो सैल्यूटेशन यूज़ करेंगे वो ब्रीफ वे में, इट मीन समराइज करके आप उसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, राइट द डेट एंड टाइम। राइट द डेट एंड टाइम ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑन द टॉप। तो इसमें आपको बताया गया कि डेट भी आपको क्लियरली आपको मेंशन करना है, टाइम भी आपको क्लियरली मेंशन करना है, विद AM या PM आपको करके मेंशन करना पड़ेगा, और ये लेफ्ट साइड में आपको मेंशन करना है और ये टॉप में मेंशन करना है। नेक्स्ट है, क्लियरली मेंशन द नेम्स फ्रॉम एंड टू। तो इसमें आपको नाम भी क्लियर कट मेंशन करना है, कहाँ से या फिर किसके द्वारा लिखा जा रहा है या फिर किसे लिखा जाएगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, बी प्रिसाइज एंड ब्रीफ, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो एग्जैक्ट होनी चाहिए जो आपसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है, और उसको विस्तार में आपको बतानी है। पर हाँ, ये एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपके जो वर्ड्स होना चाहिए वो लिमिट होना चाहिए, मतलब कन्फर्म कर दिया जाएगा कि इतने शब्दों में आपको जवाब देनी है, तो आप कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा आपका जो शब्द है वो ना जाए। अधेयर टू वर्ड लिमिट, आप वर्ड लिमिट को अधेयर करें, पालन करें, एज गिवन इन क्वेश्चन पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। जनरली जो आपका ये मैसेज राइटिंग का जो बॉडी पार्ट है या फिर ओवरऑल कर सकते हैं जितने शब्द में कंप्लीट करना होता है, तो उसका टोटल जो शब्द है 50 वर्ड्स, तो 50 वर्ड्स से अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, डोंट ऐड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब आप एक ऐसे इन्फॉर्मेशन अपने बॉडी पार्ट में ऐड ना करें, अपने मैसेज राइटिंग के बॉडी पार्ट में ऐड ना करें जिसकी ज़रूरत ना हो, इट मीन्स एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। रिसीव योर आंसर्स फाइनली, तो फाइनली आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब है मैसेज राइटिंग फॉर्मेट, तो मैसेज को लिखने से पहले आपका जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके फॉर्मेट के बारे में, तो इस प्रकार से आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेनी चाहिए, बॉक्स ये मैंडेटरी होता है। बॉक्स बनाने के बाद आपको टॉप में जो हेडिंग के रूप में आप मैसेज लिख सकते हैं। आपकी कोशिश रहे जो आप मैसेज लिखेंगे, द वर्ड मैसेज इज रिटन ऑन टॉप इन द सेंटर, आपकी ये उम्मीद रहे, कोशिश रहे कि सेंटर में आपका ये मैसेज लिखा होना चाहिए इन कैपिटल लेटर्स, और ये फोकस होना चाहिए कि ये जो आपका जो सेंटर में आप लिखेंगे मैसेज वो कैपिटल लेटर्स में हो, एंड इट शुड बी अंडरलाइंड, और ये आप याद रखेंगे कि इसे आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट है, लेफ्ट साइड में आप डेट मेंशन करें, यानी यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है, नंबर वन आपको क्या करना है, सेंटर में मैसेज लिखना है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको डेट लिखना है, डेट इज़ रिटन टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में आपको डेट मेंशन करना है। और ये जो फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे, स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, तो इस फॉर्मेट में ही आप डेट लिखेंगे,
तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि 2 मार्च यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एग्जैक्ट आपका डेट होगा जिस डेट में आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं मैसेज राइटिंग, तो उस डेट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आप क्या करेंगे उसके बाद, थर्ड नंबर पे टाइम इज़ रिटन टूवर्ड्स द राइट, तो आप लेफ्ट साइड में डेट मेंशन करेंगे, राइट साइड में आप क्या मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे। और ये एक्यूरेट टाइम होना चाहिए, यानी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिस वक्त आप मैसेज लिख रहे हैं उस वक्त का जो एग्जैक्ट टाइम है, तो वो टाइम आपको मेंशन करना चाहिए, और इस फॉर्मेट में ही आपको करना चाहिए जिस फॉर्मेट में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है पॉइंट फोर पे, पॉइंट फोर पे आपको क्या मेंशन करना है, तो ये पॉइंट फोर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मिस्टर ड्यू लिखा हुआ है ना, तो ये सैल्यूटेशन है, इसे सैल्यूटेशन कहा जाता है। तो सैल्यूटेशन जो होनी चाहिए ये आपको क्वेश्चन से ही क्लैरिफाई हो पाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। रही बात बॉडी पार्ट की, तो ये फोर्थ नंबर पे आता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी टेक्स्ट में आपको क्या करना है, पॉइंट वन में आपको ये बताया गया है कि हु कॉल्ड, तो इसमें क्या होता है कन्वर्सेशन होता है, जब भी मैसेज राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इट मीन्स फ़ोन पे बात होती है, टेलीफोनिक बातचीत होती है, तो उस बातचीत के जरिए आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि हु कॉल्ड, इट मीन्स किसने आपको कॉल करी है ओवर फोन। पॉइंट सेकेंड है वाई ही कॉल्ड, तो जो कॉलर है जिसने आपको कॉल किया है तो उसने क्यों कॉल करी आपको। एंड थर्ड पॉइंट है फॉलो अप इफ़ रिक्वायर्ड, तो आप उसे फॉलो अप करें यदि आपको ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से आपको पॉइंट फोर में डिस्कस करना है, यानी बॉडी पार्ट में ये 3 पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। तो चलिए इसमें जो मेंशन किया हुआ है उस चीज़ को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और उसे आइडिया को रिसीव करने की कोशिश करते हैं। देयर वॉज अ कॉल फ्रॉम अ कस्टमर, तो ये पहले यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया कि ना एक कॉल था, कहाँ से था, वो कस्टमर से था। मिस्टर कुमार, यहाँ पे नाम भी कंफर्म कर दिया गया, मिस्टर कुमार फॉर यू, मतलब आपके लिए मिस्टर कुमार फोन था। ऑल द गुड्स सप्लाइड बाय अस, यानी सभी गुड्स जो हमारे द्वारा सप्लाई किए गए थे हैव बीन डिलीवर्ड, वो सक्सेसफुली क्या हो गया है, डिलीवर्ड हो गया है। अ फ्यू फ्लावर वेसेस वर फाउंड ब्रोकन, तो उसमें ये भी पता चला डिलीवरी के वक्त कि कुछ जो वेसेस थे जो डिलीवर किए गए थे वो क्या थे, ब्रोकन थे, इट मीन्स टूटे हुए थे। मिस्टर कुमार हैज़ रिक्वेस्ट, तो मिस्टर कुमार ने रिक्वेस्ट की है फॉर देयर रिप्लेसमेंट, तो वो मिस्टर कुमार चाहते हैं जिन्होंने कॉल करी थी कि उनका जो वेस्ट जो इनका वेसेस था जो सप्लाई हो गया था, डिलीवर हो गया था, तो उसको रिप्लेस करना वो चाहते हैं, रिप्लेस करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। ही विल मेक द पेमेंट इन 2 डेज टाइम, रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट के लिए उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है, तो 2 दिन में वो पेमेंट इसका कर देंगे। और लास्ट में यहाँ पे पर्सन हु राइट्स द मैसेज, यदि आप मैसेज लिख रहे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन में नाम दिया हुआ रहता है, तो जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है उस नाम को आपको मेंशन करना है। सपोज करिए नाम नहीं मेंशन किया हुआ है तो आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, इट मींस व्यक्ति जो मैसेज लिखता है उसका नाम यहाँ पे नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से मैसेज राइटिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, और अपनी भाषा का भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो इस पर आप ख्याल रखेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिया है, वो क्वेश्चन इस प्रकार है, मान लीजिए यू आर अनुराग, आपका नाम अनुराग है, एंड यू फॉरगेट टू इन्फॉर्म, और आप भूल गए हैं सूचना देने के लिए द मदर माँ को अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, तो अपने बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है निखिल्स, तो निखिल्स का जो बर्थडे पार्टी था तो बर्थडे पार्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन अपनी माँ को देना भूल गए हैं। नाउ योर मदर इज़ इन द ऑफिस, और आपकी जो माँ हैं अभी कहाँ हैं, ऑफिस में हैं, एंड योर फोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, और आपका जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया है। यू वॉन्ट टू लीव अ मैसेज फॉर योर मदर, तो आप चाहते हैं कि अपनी माँ के लिए कुछ मैसेज मैं छोड़ूँ, एंड द कीज़ ऑफ द हाउस, और हाउस का जो कीज है विद योर नेबर, तो आप अपने नेबर के पास उसे छोड़ना चाहते हैं। राइट द मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ अनुराग, तो आप एक मैसेज लिखिए अनुराग के बिहाफ में।
ऑल्सो टेलिंग हर दैट निखिल्स फादर विल ड्रॉप यू होम एट अबाउट 9 PM। तो आप ये भी बताएं अपनी माँ को कि निखिल्स के जो फादर हैं वो आपको ड्रॉप कर देंगे घर पर 9 बजे रात तक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैसेज लिखा गया है, अंडरलाइन भी इसे कर सकते हैं, हालांकि इसमें नहीं किया गया है। तो मैसेज ये सेंटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कोई मैंडेटरी नहीं है, वैसे आपकी कोशिश रहे कि कैपिटल लेटर में ही हो। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको डेट मेंशन करना है, डेट का फॉर्मेट आप देख रहे हैं, इस फॉर्मेट में ही आप डेट को मेंशन करने की कोशिश करें। रही बात टाइम का, टाइम का जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये राइट साइड में होना चाहिए, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड में ही सिर्फ सही हो पाएगा, आप इसे लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, परंतु बीच में गैप होना चाहिए। मेरा मतलब आप डेट के बाद एक स्पेस छोड़ दें कंप्लीट, उसके बाद फिर आप टाइम मेंशन कर सकते हैं। राइट साइड में भी आप मेंशन करें तो ये गलत आपका नहीं होगा। तो टाइम लिखने का तरीका आप देख पा रहे हैं, टाइम इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, अभी जो वक्त है हो रहा है 2:46 का है, पर यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ 2:30 PM का है। उसके बाद फिर से आपको एक स्पेस छोड़ना है, फिर यहाँ पर सैल्यूटेशन के रूप में वह जो मैसेज लिखना है माँ को लिखना है, तो मम्मी के नाम से यहाँ पर संबोधन कर सकते हैं। फिर एक स्पेस के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं मैसेज लिखना, जिसे हम लोग बॉडी पार्ट कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई फॉरगेट टू इन्फॉर्म यू, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मैं आपको सूचना देना भूल गया है अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है निखिल, तो निखिल का जो बर्थडे पार्टी है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना मैंने आपको भूल गया है। आई एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी एट इन्विटेशन बंकेट, तो मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, इन्विटेशन बंकेट पे, ये कोई प्लेस होगा जहाँ पे सेरेमनी होगी, जहाँ पे पार्टी होगी, तो ये पार्टी को अटेंड करने जा रहे हैं जैसा कि इन्होंने इन्फॉर्म किया। दे आर विद मिसिज रामा, तो वे किसके साथ हैं, वो मिसिज रामा के साथ हैं। आई विल हैव माई डिनर देयर ओनली, तो इन्होंने कन्फर्म किया अपनी माँ को मैसेज के माध्यम से कि मैं अपना डिनर वहीं करूँगा और सिर्फ मैं वहीं करूँगा। आगे निखिल्स फादर विल ड्रॉप मी बैक होम बाई 9 PM, और रही बात मुझे लौटने की, तो निखिल के जो पिताजी हैं वो मुझे वापस घर 9 बजे रात तक छोड़ देंगे। और लास्ट में अनुराग ने साइन कर दिया। तो इस तरह से आप अपना मैसेज राइटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको मैसेज राइटिंग लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच।